नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राहत भरी खबर, बिहार में 103 निजी अस्पताल को कोरोना इलाज की मिली मंजूरी, पटना के 90 हॉस्पिटल शामिल। बिहार में बेकाबू हो रही कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में हर एक दिन बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हो रही है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह बेहद चिंताजनक है। इस क्रम में बिहार में 103 निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की मंजूरी दी गई है। हालांकि अब भी राज्य के कुछ जिलों में 100 से अधिक आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित है। इनमें सर्वाधिक पटना के ही विभिन्न निजी अस्पतालों द्वारा दिए गए आवेदन है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के दूसरे चरण में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पहली बार निजी अस्पतालों को भी मंजूरी दी गई थी। IMA बिहार की ओर से सभी जिलों के लंबित आवेदनों का निपटारा करते हुए तत्काल मंजूरी दिए जाने की मांग की गई। 2 दिन पूर्व पटना जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में कोरोना से भी इस मांग को रखा गया था। शिक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना की स्थिति अनियंत्रित न हुई तो तय समय पर होगी शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति अनियंत्रित और विस्फोटिक नहीं हुई तो शिक्षक अभ्यर्थियों की भी निर्धारित समय से ही काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए तीसरे फेज की काउंसलिंग की तिथि कुछ कारणों से बढ़ाई गई थी और अब 17 से 28 जनवरी तक होनी है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर काउंसलिंग निर्धारित समय से कराने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। शुक्रवार को सभी DM को भी इस संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी जो स्थिति है इसमें परीक्षा निर्धारित तिथि से ली जा सकती है। बिहार में अब जनता चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर, नीतीश सरकार ने बना दिया कानून। अब प्रदेश के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इतना ही नहीं, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता चुनेगी। नगर निकायों में इन सर्वोच्च पदों के लिए अब वार्ड प्रतिनिधि वोटर नहीं होंगे, बल्कि जनता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन पाएगी। नीतीश सरकार ने इस पर फैसला ले लिया था और अब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य के डिप्टी CM और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। अब जनता सीधे नगर सरकार को चुन पाएगी। विकास योजनाओं के चयन के साथ साथ नगर सरकारों में जो अंदरूनी खींचातान वाली सियासत होती रही है अब उस पर भी नकेल लग जाएगी। पटना में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 10 दुकानें हुई सील। जी हां, राजधानी पटना में संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू कराया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से गुरुवार को विशेष अभियान की शुरुआत की गई और पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स समेत अन्य जगहों पर कुल 10 दुकानों को सील किया गया। इन दुकानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। ग्राहक और दुकानदार दोनों के मास्क नहीं पहनने के कारण मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स की 2 कपड़ा दुकानों को 5 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इनमें खादी मंदिर स्टोर और वधु कलेक्शन सेंटर शामिल है। साथ ही पटना जंक्शन रोड स्थित 3 और पुनाईचक स्थित 3 समेत शहर की 10 दुकान को 5 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। सदर SDO नवीन कुमार ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, सील की गई सभी दुकानों के मालिक को नोटिस भी दिया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर मसौढ़ी में भी 5 दुकानों को सील किया गया है। पटना जिले में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में 52 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। गुरुवार को जिले में 950 लोगों से ₹31,900 जुर्माना वसूला गया है। अब तक 261,350 जुर्माना वसूला गया है। वहीं वाहनों में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान ₹56,500 जुर्माना वसूला गया है। मृतक के परिवार के साथ बिहार सरकार के मंत्री ने की धोखाधड़ी, 4 लाख का दिया चेक हो गया बाउंस। बिहार के सीतामढ़ी में मृतक के परिवार के साथ मंत्री द्वारा चेक थमाकर ठगी का मामला सामने आया है। छठ पूजा के टाइम घाट सफाई के दौरान एक किशोर की मौत हो गई थी। उसके बाद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण सह जिला प्रभारी मंत्री जमा खान
सीतामढ़ी पहुंचे थे उनके हाथों से दलित महिला पिंकी को 4 लाख का चेक सुपुर्द करवाया गया था और इस दौरान फोटो खिंचवाने का भी कार्यक्रम हुआ था, लेकिन यह चेक बैंक में जाने के बाद पर्याप्त राशि न होने की वजह से बाउंस कर गया। मृतक परिवार के साथ बिहार सरकार के मंत्री ने बड़ा मजाक किया। बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने के 25 तारीख को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह सीतामढ़ी प्रभारी मंत्री जमा खान के साथ ही दर्जनों एनडीए गठबंधन के नेताओं ने 4 लाख रुपए की भारी भरकम बोझ वाली चेक को उठाकर पिंकी कुमारी पति संतोष चौधरी को दिया था, लेकिन आज तक उस चेक की राशि पिंकी कुमारी के खाता में ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि जो चेक दिया गया था उसमें आज तक पैसा ही पर्याप्त नहीं है। सवाल पूछने पर डुमरा अंचल अधिकारी दलित महिला पिंकी कुमारी को बुरा भला कहते हैं। आपको बता दें कि पिंकी कुमारी वही महिला है जिसका पुत्र छठ पूजा के घाट सफाई करने के समय तलकापुर परोरी पुल के नजदीक लखनदेई नदी में डूब गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले पर युवा जिलाध्यक्ष मोहम्मद हामिद रजा खान, युवा जिलाध्यक्ष AIMMI सीतामढ़ी ने कहा कि जिला प्रशासन बिना देरी किए हुए पिंकी कुमारी को राशि नहीं उपलब्ध कराती है और लिखित में अंचल अधिकारी माफी नहीं मांगते हैं तो AIMMI आंदोलन करने पर मजबूर रहेगी। इसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। बिहार पुलिस की इस भर्ती के लिए जल्द करें अप्लाई, विभाग ने नोटिफिकेशन में किया बदलाव। अगर आप बिहार पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बिहार के केंद्रीय चयन पार्षद CSPC के मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अधीन मद निषेध सिपाही के 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकली है, जिसकी आखिरी तारीख नजदीक है। तो जिन कैंडिडेट ने आवेदन अभी तक नहीं किया है वे जल्द से जल्द आवेदन कर दें। वहीं विभाग ने भर्ती के नोटिफिकेशन में भी बदलाव कर दिया है। विभाग के इस फैसले से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। दरअसल विभाग की तरफ से 365 पदों पर होने वाली मद निषेध सिपाही भर्ती के लिए दिव्यांगजनों की क्षैतिज आरक्षण की अनुमान्यता समाप्त कर दी गई है। अब दिव्यांग अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें 15 कार्य दिवस के अंदर पैसा उन्हीं के खाते में लौटा दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा 27 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। बिहार के 22 कॉलेजों को विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई के रूप में मिली स्वीकृति, आगे जाने पूरी खबर। बिहार में शिक्षा को लेकर बड़ी पहल की गई है, जहां शिक्षा विभाग ने अनुमंडल मुख्यालयों में स्थापित 22 राजकीय महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता दी है। सारे वो अनुमंडल हैं जहां पहले से डिग्री कॉलेज नहीं थे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश में पूरे 22 कॉलेजों को स्वीकृति मिली है। आदेश के अनुसार दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल के राजकीय डिग्री कॉलेज, बेगूसराय के तेगड़ा स्थित डिग्री कॉलेज, बलिया के डिग्री कॉलेज, बखरी के डिग्री कॉलेज को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से अंगीभूत इकाई के रूप में स्वीकृति दी है। वहीं पूर्वी चंपारण के मधुबन स्थित डिग्री कॉलेज, बगहा के डिग्री कॉलेज, सीतामढ़ी के पुपरी स्थित डिग्री कॉलेज, शिवहर के डिग्री कॉलेज और वैशाली जिले के महुआ स्थित डिग्री कॉलेज को बिहार विश्वविद्यालय से अंगीभूत इकाई के रूप में मंजूरी दी गई है। शिक्षक बहाली के लिए सख्त गाइडलाइन, काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई तो 24 घंटे में होगा एक्शन। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है। कोरोना संक्रमण के बावजूद राज्य सरकार ने 17 से 28 जनवरी के बीच नियोजन इकाइयों के जरिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस बार शिक्षक बहाली के दौरान गड़बड़ी की शिकायतों पर ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। काउंसलिंग के दौरान अगर नियोजन इकाई में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो संबंधित जिलों के DEO 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना DM को देकर वहां की नियोजन प्रक्रिया को न केवल रद्द करेंगे बल्कि दोषियों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी करेंगे। अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र काउंसलिंग के अगले दिन ही NIC वेब पोर्टल पर अपलोड करना है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए काउंसलिंग के लिए केंद्र बड़ी परिसर वाले जगहों पर करना है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने नियोजन से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। आगामी 17 से 28 जनवरी तक लगभग 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सभी DM को पत्र भेजा है। बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने के लिए कोरोना वैक्सीन जरूरी, 26 जनवरी तक लगेगा टीका।
बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगले महीने शुरू होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में शामिल होने वाले किशोरों को 26 जनवरी से कोरोना का टीका दिया जाएगा। संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को पत्र लिखते हुए कहा है कि हर हाल में राज्य के 15 से 18 साल के किशोर और किशोरियों को टीका लगाया जाए। अगले महीने होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के साथ साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को भी टीका लग जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। शोरों में टीकाकरण को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कोरोना टीका लगवाने में सरकारी स्कूल के छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर निजी स्कूलों में 80% से अधिक छात्रों को टीका लगाया जा चुका है, वहीं सरकारी स्कूल के 25% बच्चों को टीका दिया गया है। अब पटना डीईओ ने सभी स्कूलों से 9वीं से 12वीं तक के नामांकित विद्यार्थी की संख्या मांगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में 2 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया गया। अब तक 10 दिन से अधिक होने के बाद भी सरकारी स्कूल में 25% किशोरों ने ही टीका लगवाया है। फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा प्रमोशन पाने वाले कई शिक्षकों पर गिरी गाज, किया गया सोकोज। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र से प्रमोशन पाने का मामला सामने आया है। गलत सर्टिफिकेट पर हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों और हेडमास्टरों से अलग अलग सोकोज किया गया है। बता दें कि पूरे 33 शिक्षकों पर गाज गिरी है। दरअसल यह मामला आरा जिले का है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रेमचंद ने 33 शिक्षकों और हेडमास्टरों से सोकॉज किया है। अगर सोकॉज का जवाब सकारात्मक नहीं पाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले 21 हेडमास्टरों का प्रमोशन रद्द किया जा चुका है। वहीं इस सोकॉज को लेकर शिक्षा विभाग के गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, जहां कुछ शिक्षकों का कहना है कि जब 21 शिक्षकों का प्रमोशन रद्द किया गया तो 44 की सूची में 23 अन्य से सोकॉज का क्या मतलब है, जबकि 2 बार पूर्व भी सोकॉज किया जा चुका है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना।